गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र के राकेश मार्ग पर दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर लूट के इरादे से आए बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की कोशिश की। जब व्यापारी और उसके बेटे ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने सुनार के बेटे को गोली मार दी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बदमाश लूटपाट करने में सफल नहीं हो पाए। मौके पर पहुंचे कार्यवाहक एसएसपी मुनिराज जी, एसपी सिटी प्रथम निपुण अग्रवाल व एसपी क्राइम डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने घटनास्थल की जांच की। लापरवाही के आरोप में कार्यवाहक एसएसपी मुनिराज ने नासिरपुर चौकी प्रभारी अभिमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया। हमको लगभग 1:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी, यहाँ पे सियानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत राकेश मार्ग में एक यहाँ पे बनवारी लाल ज्वेलर्स है, उनके दुकान में दो बदमाश आया है जो हेलमेट वगैरह पहन के आया था और उन लोग आके अंदर उनसे बातचीत करा था। उस समय आपस में वहाँ पे बात होने से तुरंत एक आदमी ने जो दुकान का ओनर है उन्होंने उन्हें हाथ पकड़ा था, उन्हें तुरंत गोली चलाया था। वहाँ पे उनके साथ बैठा था उनका लड़का है, उनका लड़का का गोली लगी है पेट पे, अभी हॉस्पिटल एडमिट है उनका, गोली पार हो गया। अभी डॉक्टर साहब से बात किया हम लोगों ने, जो लड़का अभी आउट ऑफ डेंजर है, उनके जान का खतरा से बाहर है। अभी बाकी चीज़ अभी उनके घटना का दुकान में कोई लूट किट नहीं हुआ है, वो दुकानदार कह रहे हैं उनके साथ कोई सामान वगैरह लेके नहीं गए हैं। फिर भी हम लोगों ने पूरा हर एंगल में हम इसकी जाँच करेंगे, ये घटना किस तरह का हुआ है इसके बारे में जाँच करेंगे और साथ साथ जो अपराधी है उनके जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। अभी मैंने एसपी सिटी और एसपी क्राइम पुलिस की टीम गठित कर चुका हूँ और उसके साथ साथ हमारे जनपद में पूरा चेकिंग भी लागू किया हूँ, चेकिंग स्कीम भी लागू किया हूँ हमने, और हमारा जो स्वाट टीम है सभी लोग लगा भी जल्दी से जल्दी केस को खुलासा करके जो अपराधी उसका कड़ी से कड़ी करेंगे। अभी इनपुट तो अभी इतना जल्दी से हम नहीं बता सकते, अभी कुछ हुलिया वगैरह उसका आधार पर हम चेकिंग करें। तो स्कूटी से आए थे, सफेद रंग की स्कूटी बताया जा रहा है, अभी उसका आधार पर हम चेकिंग चला रहा है और उसके साथ हम पूरा लगातार अभी जो क्रिमिनल्स है और इस इलाके में जो कितना और इनके साथ पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ क्या उसके भी चेक करके उसका आधार पर आगे काम भी करेंगे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मुनिराज जी का कहना है कि घटना में क्राइम ब्रांच व सिहानी गेट थाना पुलिस की टीमों को लगाया गया है, जल्द ही वारदात का पर्दाफाश कर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।